गांव में ममता नाम की औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। ममता के पति की 2 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ममता अपना घर का खर्च और बच्चे की पढ़ाई के लिए एक घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोती थी और इसी तरह वह अपने और अपने बच्चे का जीवन यापन चलाती थी। एक दिन ममता की तबीयत खराब होती है। उसका बेटा गोलू अपनी माँ को काम पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन ममता बात नहीं मानती और चली जाती है। ममता तबीयत सही ना होने की वजह से मालिक के घर देर से पहुंचती है तो मालिक उसे डांटता है। अरे ममता, इतना लेट क्यों आई हो? तुम जानती हो ना मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम लेट आई हो, मैं तुम्हारी पगार में से 100 रुपए काटूंगा। नहीं नहीं मालिक, कृपया ऐसा मत करिए, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आगे से कभी ऐसा हुआ तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ठीक है, तुम काम करो, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर ममता का मालिक वहाँ से चला जाता है और ममता भी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन गोलू अपने सर के घर पर जाता है। गोलू को रास्ते में वही पुराना मालिक मिलता है जिसके पास गोलू की माँ काम करती थी। गोलू बोलता है, आपने सही नहीं किया मेरी माँ के साथ, उनको काम से निकाल कर। अरे तेरी माँ की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, शुक्र बना कि मैंने बस काम से निकाला, वरना कोई और होता तो नुकसान की भरपाई करवा लेता। जाजा, मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता। इतना कहकर पुराना मालिक चला जाता है और गोलू भी अपने रास्ते निकल जाता है। वह अपने सर के घर पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है उस पुराने मालिक के बारे में। यह सब सुनकर गोलू के अध्यापक कहते हैं, कितना दुष्ट आदमी लगता है, उसके अंदर इंसानियत की बहुत कमी है। जो उसने ऐसा किया गोलू, उसे उसका फल जरूर मिलेगा। तुम घर जाओ और अपनी माँ को भेज देना, हम उनसे जो भी काम की बात है कर लेंगे। गोलू बहुत खुश होता है और वह दौड़ा दौड़ा अपने घर वापस आता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है और बोलता है, माँ आपको अध्यापक जी ने बुलाया है, आप जाओ। ममता यह सब सुनकर खुश हो जाती है और अध्यापक के घर के लिए निकलती है। अध्यापक के घर पहुंचकर पूछती है, जी अध्यापक जी, गोलू ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, मुझे काम की जरूरत है, तो आप कुछ काम दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ ममता, जरूर, लोगों की मदद करना ही हमारा परम धर्म है। लेकिन ममता, हमारे घर पर तो ज्यादा काम नहीं है, हमारी पत्नी विमला जो सब काम संभाल लेती है। तुम हमें बताओ कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। जी मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ, मैं हिंदी में पढ़ लिख सकती हूँ लेकिन अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। कोई नहीं ममता, हमारे पास काम हिंदी में ही है, तुम बच्चों के हिंदी के टेस्ट पेपर परीक्षा के ऊपर यह सब चेक कर सकती हो, और इन सब के अलावा और भी पढ़ाई लिखाई का काम है हमारे पास। अगर तुम करना चाहती हो तो हमें बताओ, हम तुम्हें महीने का 10,000 रुपए दे देंगे। यह सब सुनकर ममता अंदर से काफी खुश होती है और मन ही मन सोचती है, अब तक मुझे पुराना मालिक 5,000 रुपए देता था और अब यह 10,000 रुपए देगा। हे प्रभु, धन्यवाद आपका। हाँ जी, मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया, तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। और हाँ, तुम्हें काम कभी हमारे घर से करना होगा और कभी स्कूल से, क्या तुम्हें यह मंजूर है? हाँ जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ममता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह सुबह अध्यापक के घर आती है। अध्यापक उसे सारा काम अच्छे से समझा देता है। ममता सब कुछ अच्छे से समझकर अपना काम शुरू करती है। अध्यापक वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह ममता काम करती रहती है और कई दिन बीत जाते हैं। ममता घर में अपने बच्चे को भी पढ़ाने लगती है। अब गोलू ट्यूशन जाना छोड़कर अपनी माँ से ही घर में पढ़ा करता था। यह कहानी हमें एक अच्छा इंसान बनने की सीख देती है और यह भी कि हमें कभी भी जो हुआ है उसे सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा उससे भी अच्छा रास्ता खुला होगा, बस हमें उस रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत है।